सभी को जय हिंद। तो भाई आप सभी लोगों का जो छत्तीसगढ़ पुलिस के आप लोग इतने दिलों और जान से तैयारी कर रहे थे उनका फॉर्म फिलअप शुरू हो चुका है, 1 जनवरी से शुरू हो चुका है और ये फॉर्म फिलअप करने का तारीख जो है 15 फरवरी तक चलेगा। तो आप लोग उस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके लिए स्थानीय जो निवासी होंगे, छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी, सिर्फ वही लोग ही फॉर्म भर पाएंगे। बट ये चीज तो अलग है कि आप फॉर्म भरेंगे, तैयारी करेंगे, लेकिन अभी भी लोगों के मन में बहुत सी मतलब द्विधाएं हैं कि मतलब जिनको या फिर भ्रम है कि मतलब मेडिकल में क्या क्या चीजें होती है। जैसे क्योंकि जो पुलिस का तैयारी करें उनमें से कुछ लोग जो है आर्मी का तैयारी कर रहे थे या एसएससी जीडी वगैरह का तैयारी कर रहे थे, तो उसमें मेडिकल होता है जो कि काफी हार्ड रहता है, और मेडिकल सेम मेडिकल हमारे छत्तीसगढ़ पुलिस में भी होता है। तो इसमें जो छत्तीसगढ़ पुलिस का मेडिकल है और एसएससी जीडी का मेडिकल से कितना अलग है, या क्या उसी प्रकार से होता है, या कुछ चीजें कम या कुछ चीजें ज्यादा होती है, इन सब सारी चीजों जो है आप लोगों का ये पूरे डाउट को मैं क्लियर करने वाला हूं कि मैं जब छत्तीसगढ़ पुलिस बना उसके बाद जब हम लोगों का मेडिकल चेकअप हुआ राजनांदगांव में, तो क्या क्या चीजें हम लोगों का चीजें चेक की गई। तो मैं मतलब नीचे से पैर से ये इस पैर से लेके पूरे इस सिर तक मतलब क्या क्या चीजें हम लोगों का पूरा चेक हुआ, इन सब सारी चीजों को मैं आप लोगों को आगे डिटेल में बताने वाला हूं। और भाई मेरे वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को आगे शेयर जरूर कीजिए और वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि बाद में आप लोग बोलते हैं कि सर ये चेक होता है, मेरा ये उंगली टेढ़ा है, मेरा दांत ये है, तो इन सब सारी चीजों को आप लोगों का डाउट अच्छे से क्लियर होगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और आगे अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। तो भाई मेरे देखो, मैं जो मेरा मेडिकल हुआ था मैं आप लोगों को अपने ऊपर बताऊंगा कि मतलब उस चीज को मेडिकल को मतलब आप लोगों को दिखाऊंगा कि जैसे नॉकनी चेक हुआ था तो क्या क्या हुआ था। तो देखो डॉक्टर साहब लोग हमारा मेडिकल लिए थे, उसमें एक हमारे जो पुलिस जो रहते हैं उनका एक सदस्य भी रहता है उस मेडिकल में। तो सबसे पहले जो हम लोगों का चेक हुआ था, मैं जो सबसे मतलब मैं नीचे से बता रहा हूँ, मतलब वहां तो ऊपर नीचे आगे पीछे हुआ था, ठीक है। तो बट मैं ये नीचे से लेके पूरा सिर तक आप लोगों को बताऊंगा कि क्या क्या चीजें चेक हुआ था। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा, अपने ऊपर मैं एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा आप लोगों को कि क्या क्या था। तो देखो सबसे पहले हम लोगों का चेक हुआ था ये फ्लैट फुट, मतलब फ्लैट फुट एक बार आपका जब भर्ती दिलाने जाएंगे तब भी चेक होगा। थोड़े दूर से बनाना ना सर, मतलब पूरा ऊपर से नीचे दिखना चाहिए, ठीक है, मतलब उतना भी दूर मत ले जा भाई मेरे, ठीक है। तो सबसे पहले जो चेक हुआ था ये मेडिकल में, मतलब मैं नीचे से बता रहा हूं ना, तो ये फ्लैट फुट एक बार आपका मेडिकल में जैसे रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद आप लोग जाएंगे तो ये पूरा फ्लैट फुट ये जो पूरा चेक होगा, ये पूरा मतलब काफी बारीकी से इसको देखते हैं, ठीक है, ये करके देख लिए वहां, तो ये पूरा इसको पूरा ये पूरा चेक करेंगे, फिर इसके बाद आपको पीछे मुड़वाएंगे, फिर ये पूरा दिखाएंगे ऐसे, इस तरीके से आपका पूरा मेडिकल दिखाया जाएगा ये ऐसे, ठीक है। और उसके बाद मैं आप लोगों को और बताऊंगा, इसके बाद नॉकनी चेक हुआ था हम लोगों का, तो मैं आप लोगों को अपना खुद का नॉकनी दिखाऊंगा। थोड़ा पास से लाना संदीप ना, तो ये है, ये देख सकते हो मेरा नॉकनी आप लोग, ठीक है, नीचे भी पूरा क्लियर है ना, नीचे भी मेरा पूरा क्लियर है। और ये देखो मतलब बॉडी में कुछ भी नहीं, ये देखो मैं मतलब पूरा रिलैक्स हूँ, ऐसा नहीं कि मतलब मैं उस जगह को टाइट करके रखा हूँ या कुछ नहीं, मतलब मैं एकदम बिंदास हूँ, मतलब फ्री हूँ पूरा, कि कहीं से मेरा नॉक नी वगैरह नहीं है। आप लोग देख सकते हो ये देखो कितने का गेप है। तो ये दो चीजें हो गई। अब इसके बाद हम लोगों का जो चेक हुआ था, ये जो बीपी चेक हुआ था, बीपी में जो बीपी चेक करने की मशीनें रहती है आप लोग देखे ही होंगे अधिकतर लोग, यहाँ पे जो मशीन लगता है वो लगता है, उसके बाद आप लोगों का बीपी जो है रहता है एक सामान्य जो है 80 से शायद 120 के बीच में रहता है, मुझे उतना आइडिया है नहीं। तो बीपी चेक होता है, बीपी क्लियर होता है, वहाँ आपको जो शारीरिक संबंधी मतलब आपका कोई बीमारी वगैरह या अन्य कोई चीजें तो नहीं है, इस प्रकार से आपको पूछा जाएगा, अगर आपको कुछ समस्या तो वहाँ बता सकते हैं। तो ये बीपी हो गया, तीन चीजें ना। अब इसके बाद जो होगा यूरिन चेक होगा आपका, आपको शीशी दिया जाएगा छोटा सा, उसमें आपको पेशाब करके आना है, पेशाब करके आप उसको ला के देंगे, फिर वो चेक होगा, फिर वो शाम वाम तक या 1-2 घंटे में जो भी है रिजल्ट आएगा। चार चीजें हो गई। इसके बाद जो है हम लोग आगे आते हैं, आई में चेक करवाते हैं,
तो आई में मतलब जो कलर ब्लाइंड बोलते हैं, जो कागज आता है छोटा सा, वो है नहीं मेरे पास, मैं कभी ला के आप लोगों को दिखाऊंगा, उसमें ये चेक होगा, आपको पढ़वाया जाएगा, कुछ आकृति रहेगी या फिर कुछ नंबरिंग लिखा रहेगा कि ये कितने नंबर है, कितने नंबर का क्या है, तो आप लोगों को उसको पढ़ के बताना है, मतलब कलर ब्लाइंडनेस के लिए उसको चेक किया जाता है। और इसके बाद है जो आई विजन, मतलब देखने की शक्ति को ये टेस्ट किया जाएगा। सामने में एक छोटा सा मतलब मिरर रहेगा, उसमें कुछ अल्फाबेट लिखा रहता है, मतलब साइज के हिसाब से पहले थोड़ा बड़ा रहेगा, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा, ऐसा टाइप से रहेगा। तो आपको उसको पढ़वाएंगे लोग, तो आप लोग उसके साइज के हिसाब से उसको पढ़ते जाना है। तो ये चीजें हो गई, 6 प्रकार के टोटल हम लोगों का बॉडी में चेकअप किया जाता था। और जैसे कि एक बार लेफ्ट आई को देख के पढ़ना रहेगा, फिर उसके बाद जो राइट आई है उसको देख के पढ़ना रहेगा उस। तो ये था मेडिकल से संबंधित कुछ चीजें। बट इसके आगे मैं आप लोगों को और बताना चाहूंगा कि कान का टेस्ट, दांत का टेस्ट, इन सब सारी चीजों का टेस्ट नहीं होता है। अगर आपका दांत अलग से दिख रहा है तब भली बाद में भली ये सब चीजें चेक किया जा सकता है, बट इन सब सारी चीजों का चेक नहीं किया जाता। जैसे आपका ये अगर मुड़ा हुआ है, ये नहीं हुआ है, तो इन सब सारी चीजों को चेक नहीं किया जाता है, क्योंकि ये सब चीजें अलग से दिख जाता है। अगर ये सब चीजें हैं तो बाद में भली आपको प्रॉब्लम होगा, बट इन सब सारी चीजों को चेक नहीं किया जाता है। तो ये था मेडिकल से संबंधित कुछ वीडियो। यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और हाँ, इससे आपका जो डाउट है वो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।